थोड़े पैसे 25,000 रुपये बकाया रह गए थे, 25,000 रुपये बकाया रह गए थे। तो वो मांगने पर तो जे लोग दरवाजे पे लाते उते मारने लगे थे, तोड़ फोड़ करने लगे थे। सारे वहां निकल रही है, जो भारत टेंट है चौक के, उन्हें उन्हें सोनू भैया को मारा, दो तीन झापड़, उनके खून निकलने लगा मुंह से। आगे आकाश तिवारी थे, बाकी पीछे सब लौंडे जो सब तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, और आकाश तिवारी आगे कर रहे थे। रोका, ठीक है, तो इनके हाथ पे डंडा उन्हें मार दिया, गालियां दी, यानी नीची जात का है तू, तुझे मारेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे बोला। कम से कम 1 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, ये पूरा नुकसान। और चारों तरफ मेरे 5 कमरों के दरवाजे तोड़े हैं, और टेंट वालों के ऊपर हाथ पैर बहुत उठाए, चनकट उनकट मारे उनके, भारत टेंट वालों के। नमस्कार, मैं समित प्रशांत रागनी टाइम्स में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, हम यहाँ पे अभी उमा वाटिका में है, निगोई रोड की तरफ। यहाँ के मैनेजर से के द्वारा हमको सूचना ये प्राप्त हुई कि इनका पार्टी से कुछ बकाया भुगतान मांगने पर इनके साथ हाथापाई की गई और काफी यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप ये बताइए, राजनीति टाइम्स में आपका आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, और ये जो मारपीट हुई है किस वजह से हुई है, और क्या क्या हुआ था उस दिन। थोड़े पैसे 25,000 रुपये बकाया रह गए थे, 25,000 रुपये बकाया रह गए थे। तो वो मांगने पर तो जे लोग दरवाजे पे लाते उते मारने लगे थे, तोड़ फोड़ करने लगे थे। हाँ, ये आपके जब अगले दिन जब आपने अपना भुगतान उनसे मांगा होगा, तो ये उस दिन की बात है। तो जी, तो ये क्या क्या और मतलब किस वजह से ये तोड़ाताड़ी उन्होंने की है? अगर आपने अपना भुगतान मांगा था तो क्या? भुगतान मांगने पर जो लोग तोड़ा फोड़ी करने लगे थे, दरवाजे वरवाजे सब तोड़ दिए हैं। इधर से हम सफाई भी करवा रहे थे, जे लोग हमने पैसे मांगे तो जे लोग इधर से आके, आगे आकाश तिवारी थे, बाकी पीछे सब लौंडे जो सब तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, और आकाश तिवारी आगे कर रहे थे। अच्छा, जो पार्टी जो थे वो जो मेन थे वहां के, आकाश तिवारी जो थे, तो और आपने रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब हमने कि लड़कों को रोकने की कोशिश करी, लड़के रुके नहीं, और क्या कहते, हमें गाली गलौज करने लगे बहुत। गाली गलौज करने के बाद हम इधर यहाँ पर से आए, तो यहाँ पर से पहले मुझे पकड़ने लगे, बोले तू हट तू हट तू हट, तो हम जे मतलब हट गए। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं अपने कैमरा में से बोलूंगा कि ये देखिए, पूरा शीशा तोड़ा हुआ है, पूरा टूट गया इनफैक्ट, और उसके बाद इनसे भी बहुत इनको मारा गया है और काफी अभद्र व्यवहार भी किया गया है। और अब सामने देखिए, सारे के सारे जितने नए डोर्स बने थे ये सब तोड़ दिए गए हैं। तो इसके बाद जो पूरा हादसा हुआ, तो आप पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? हम टिकरी टिकरी फाटक चौकी में गए थे, तो वो आए थे डीएम, वो कोतवाल साहब आए थे, मुआयना कर गए थे, वीडियो बना ले गए। वीडियो बना लेंगे। तो आपने रिटर्न कंप्लेंट दी है यहाँ हाँ, कंप्लेंट दी है। तो अभी आपने FIR करा दी है? FIR अभी नहीं कराई, अब निगोहिम कराएंगे। FIR के लिए मतलब आपने कंप्लेंट दे दी है? कंप्लेंट दी थी, दीवान साहब आए थे और कहते हैं सब वीडियो वीडियो बना के ले गए, मुआयना कर गए। तो आप क्या चाहते हैं इस पे, क्या कार्रवाई? इस पे कार्रवाई क्या, ये मतलब जो तोड़ा फोड़ी करी है इसका भुगतान करें आकर। कम तो अभी तक का जो नुकसान हम देख पा रहे हैं, आपके हिसाब से नुकसान कितना तक हुआ है? से कम 1 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, ये पूरा नुकसान। और जी सब लैट्रिन बाथरूम की टंकियां ऊपर सब तोड़ दी हैं, चारों तरफ मेरे 5 कमरों के दरवाजे तोड़े हैं, और टेंट वालों के ऊपर हाथ पैर बहुत उठाए, चनकट उनकट मारे उनके, भारत टेंट वालों के। तो इसके बाद तुरंत आपने जो पुलिस आई है, उसके बाद क्या पुलिस के साथ का क्या आश्वासन मिला है अभी तक आपको? पुलिस के साथ तो अभी कुछ नहीं मिला, पुलिस आवेदन कही थी कार्रवाई करेंगे। तो इस बात को अभी कितना दिन हो गया है? लमसम 12 जून की बात है। 12 जून की बात है। तो अभी तक दोबारा, अभी इसके बाद अभी कोई पुलिस यहाँ पे आई नहीं है, और FIR? अभी पुलिस कोई नहीं आई है। तो FIR भी आपने लिखवा दी? आपने लिखवा दी, इंजन पे लिखवाई, टिकरी फाटक चौकी है ही। हम यहाँ से सतपाल जी हैं, यहाँ जो अपना यहाँ DJ लगाते हैं, मैं उनसे जानूंगा कि उस दिन क्या हुआ था और ये कैसे ये सब हुआ है, तो थोड़ा सा बताइए। जी, यहाँ से जो लोग करीबन 7-8 लोग आए वहां से, वो यहाँ से हम लोग शिलिंग करते, हमने सोचा जी अपना सामान लेने आए हो, पुराना जो रख गए हो, तो इसलिए हम लोगों को कुछ कहा नहीं। इधर जब हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए थे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उधर काम कर रहे थे, तो इन्हें उनने जो था तो
तोड़ा फोड़ी करी, इनने उन्हें रोका, ठीक है। तो इनके हाथ पे डंडा उन्हें मार दिया, गालियां दी, यानी नीची जात का है तू, तुझे मारेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे बोला। तो हम लोग वहां सुन रहे, जिनने आपके साथ मारपीट किया, क्या नाम था उनका, नाम बताइए जी। आकाश तिवारी जी। अच्छा। लड़के थे अगर 7-8 लोग जी। तो हम लोग अकेले थे, बाकी बंदे दूर काम कर रहे थे, जब तक बुलाया तब तक वो यहाँ से तोड़ फोड़ करके सारे वहां निकल रही है, जो भारत टेंट है चौक पे, उन्हें सोनू भैया को मारा, 2-3 झापड़, उनके खून निकलने लगा मुंह से। तो वहां भाग के, यहाँ जब तक हम लोग भागे, सारे लोग गाड़ी से बैठे और निकल गए, बस ये हुआ। तो इसमें जो जितना आप देख रहे हैं, तो उसके बाद आपने किसी से कंप्लेंट भी करी होगी? जी कंप्लेंट की थी, बाबूजी को बुलाया था, तो बाबूजी वो यहाँ टिकरी फाटक से यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ मोइना किया, मोइना करके फोटो खींच लिए, फोटो खींच के कि कहा कि कल 3 बजे कंप्लेंट करेंगे, इनकी FIR बनेगी, आज रजिस्टर नहीं है हमारे पास है, तो कल बनेगी FIR इसकी, तो आज हो सकता है वो बाबूजी जाए तो हो जाए FIR।